हेलो काव्या जी, माकड़ी कोल्ड कॉफी वर्ल्ड फेमस है। फिट अप गया तू? तू कहती हूँ जगह जाता हूँ मैं, अकेले वेट कर ले अपने फ्रेंड का। फिर दूसरों की बातें सुना बैड मैनर्स होता है। तू लेक्चर ही देती रही है, तुझे कोल्ड कॉफी पीने में इंटरेस्ट है? अगर पी लेती हूँ टाइम पास हो जाएगा। है ना वर्ल्ड क्लास? एक सब में क्या पता चलता है? अम्बाला की सभी लड़कियों में इतना एटीट्यूड है कि तूने ना लिया। खुद जाके पता कर, मैं गाइड नहीं। वैसे तेरी फ्रेंड, उसका फुल नेम क्या है? बताया तो था, भूल गया, फिर बता दे। गुरप्रीत सोडी। हाँ सोडी, क्यों पूछ रहा है? नहीं, वो नाम सुना है लेकिन कहा वो याद नहीं आ रहा है। ज्यादा ट्राई मत करा, 3 हफ्ते में उसकी शादी है। माय गॉड, दूल्हों की बारिश हो रही है आजकल। है वैसे तेरी वेडिंग शॉपिंग कैसे चल रही है? ठीक है, लहंगे के पैसे कैसे जमा करूं समझ ही नहीं आ रहा। घर से नहीं ले गई? पापा ने मना कर दिया, कहते बहुत एक्सपेंसिव है। कितने की है? मुझे डिजाइनर लहंगा चाहिए, 5-6 लाख।5 लाख कमाना तेरी बस की बात नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि तू अपने आप को समझती तो ऊपर है लेकिन है बड़ी बोली। हाँ, ग्रेजुएशन पास कराने के लिए सिर्फ 10,000, 50,000 भी मांगती ना तो कम था। तू चोर नहीं है काव्या, थोड़े दिन चैट कुल्फी का और अम्बाला निकल, लोकल घाघरा सिलवा ले, तू भी खुश, तेरे घर वाले भी खुश। मुझे तेरी ज्ञान की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया पे कमेंट माता पिता है, तू क्या है? हाँ, हिस्ट्री में तो खुद से पास नहीं हो सकता चीपट साला। मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मेरी हेल्प करनी चाहिए, पर नहीं, वो मैं कॉफी ठूस के बकवास कर रहा है। और लहंगा तो मैं डिजाइनर ही पहनूंगी, चाहे कुछ हो जाए। हाँ ओके, वल्गर बातें करता है ना, ऐसे तेरे को लड़की नहीं मिलती भाई। मैं क्लासी बातें भी करूंगा ना तो भी नहीं मिलेगी, शक्ल ही तो सैची। बकवास करना बंद करोगे तुम दोनों? आंटी यार, अगले महीने उसकी शादी है। जानता हूँ यार, तू हर बार यही टॉपिक को लेकर स्टार्ट क्यों हो जाता है? वो 5 लाख के लहंगे के पीछे कोई कांड ना कर जाए, मुझे उसकी टेंशन है। भाई, टेंशन वाली तो उसकी वो फ्रेंड है। करेक्ट यार, उसका कनेक्शन मुझको याद नहीं आ रहा था, वरना उसी शॉन्टी तू भाई है ना मेरा। ओहो मनीष मल्होत्रा, सूट करेगा तुझे, ले ले तू। मैं कोई सॉरी और ही नहीं बोलने वाला, बस इतना जान ले कि तेरी फ्रेंड लफड़ेबाज है। देख अम्मी, फिर कोई उल्टी सीधी बात मत करना यार। मैं कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सच बता रहा हूँ। क्या है सच? बता क्या है सच? तेरी फ्रेंड तुझसे झूठ बोल रही है, उसका लहंगा डिजाइनर नहीं है। मैंने उसे एक लड़के के साथ देखा है, उसका चक्कर चल रहा है। क्या काव्या? अरे यार तू, काव्या मेरी बात का विश्वास, तू कुछ काम काज कर, तेरे खाली भेज में नए नए पकवान पकते रहते। ओए, मैं कोई वेला टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं हूँ, विद्या बुक सेंटर का एक लौता वारिस हूँ मैं। माल्या की बेटी के बाद बैचलर नंबर 1 तू ही है। देख तू जोक में उड़ा रही है, गुरप्रीत को संभाल ले। तू दिन भर उसका नाम क्यों जपते रहता है? तुझे हो रही है? मैं कोई जे नहीं हो रही। तू मेरी बात सुन, एक मिनट सब कुछ क्लियर करते हैं, तू बस मेरे साथ चल। चल मनीष मल्होत्रा का डिजाइन है कि नहीं? सेम टू सेम तेरा आईपैड वाला। कितने का है? ठीक से डिस्काउंट लगा के बताइयो। ठीक है लगा रहा हूँ सर जी, 90,000 लास्ट प्राइस। हैं?
कितना कितना कितना? तेरे आईपैड वाला 5.5 लाख का था ना, बड़े डिस्काउंट। एक मिनट, ये मनीष मल्होत्रा का लहंगा है ना? हाँ जी बिल्कुल, 100% ओरिजिनल फेक है जी। हरीश जी, वो गुरप्रीत सोडी का एंगेजमेंट वाला लहंगा आप ही है शॉप पे? हाँ जी बिल्कुल, हमारी दुकान का ही है जी। कोई प्रॉब्लम? नहीं जी, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो सेम लहंगा आज के दिन में कितने का पड़ेगा? ओरिजिनल पीस शोरूम में कोई 2.5-3.5 का है। हाँ। हमने उनको 70 में दिया था, सेम टू सेम शोरूम वाली पैकिंग के साथ। वाह जी वाह। हंसना बंद कर, पोल्यूशन दाद काला कर देगी। वैसे तुझे भी सॉरी बोलना है, पर रहने दे, तेरा दिल बहुत बड़ा है। ठीक है, मुझे गुरप्रीत के घर छोड़ देना।